हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज की मेरी रेसिपी है चिकन पिज्ज़ा। आप चाहे तो वेज भी बना सकते हैं, सेम रेसिपी होगी, लेकिन आप चिकन निकाल दीजिए तो ये वेज हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी पिज्ज़ा बना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बोल, उसमें मैं लूँगी 2 कप मैदा। आपके हिसाब से अगर आप ज़्यादा पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप ले सकते हैं मैदा। ठीक है, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 चम्मच चीनी, थोड़ा सा 1 पिंच नमक, उसके बाद मैं डालूँगी ये ड्राई यीस्ट है, उसके बाद मैं डालूँगी 1 चम्मच मिल्क पाउडर, फिर हम इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा मिल्क पाउडर, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा ऑयल, और इसे हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। हाथों से ही इसे मलना है, गर्म पानी से आप इसे अच्छे से आटा गूंदिएगा। कोई दूध से भी, लिक्विड मिल्क से भी उसे आटा गूंदता है, लेकिन पानी से भी गूंद सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप पानी लिया है, लुक वॉर्म है ये, ज़्यादा गर्म भी नहीं ज़्यादा ठंडा भी नहीं। यहाँ पे मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसे एक स्टिकी सा डो बना लूँगी। ज़्यादा इसे हार्ड नहीं डो बनाना, ठीक है? देखिए ये कैसे लग रहा है, एकदम स्टिकी, और इसे हमें अच्छे से गूंदना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी, और ऑयल ऐड करके मैं इसे अच्छे से गूंद लूँगी आटे को, 5 से 10 मिनट तक अच्छे से गूंदूँगी ताकि ये अच्छे से फूल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने आटा गूंद लिया है, और इसे मैं थोड़ा सा तेल लगा के 2-4 घंटे के लिए रख दूँगी। ये देखिए मैंने आराम से 3 घंटे के बाद ये लिया है, देख सकते हैं आप कितना माशाल्लाह अच्छे से फूल चुका है हमारा पिज्ज़ा का आटा। अब हम इसे अच्छे से लोइया बना लेंगे, ज़्यादा पतला नहीं बेलना हमें, इसे हार्ड मोटा मोटा ही रखना है पिज़्ज़ा। तो इतने आटे में से मैं बनाऊंगी 2 पिज़्ज़ा, तो उसके लिए मैं इसे हाफ हाफ पोर्शन में कर लूँगी। देखिए 2 पिज़्ज़ा के डो मैंने रेडी कर लिए हैं, इक्वल है ये दोनों। अगर आप चाहे तो इसे बेलन की हेल्प से भी बेल सकते हैं, या हाथ की मदद से भी इसे टैप टैप करके बेल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने बेल लिया है। अब मैं इसे एक फोक की हेल्प से इसके ऊपर छेद कर दूंगी ताकि ये ज़्यादा फूले नहीं, ठीक है, वरना भटूरे के जैसे फूल जाएगा। ये देखिए अब मैं इसे तवे पे थोड़ा सा सेंक लूँगी दोनों तरफ। ये देखिए मैंने अच्छे से सेंक लिया है, और ये थोड़ा सा फूल भी गया है, बेक होगा तो और ज़्यादा फूल जाएगा। इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलना, थोड़ा मोटा ही रखना है। देखिए ये दोनों तरफ से मैंने सेक लिया है, और मेरे पिज्ज़ा के बेस जो है वो रेडी है, ये देखिए। ठीक है, अब हम इसके ऊपर की फिलिंग ऐड करेंगे, तो उसके लिए मैंने ये चिकन को मैरिनेट करके बॉईल कर लिया है, थोड़ा सा तेल में इसे अच्छे से पका लिया है, रेड फूड कलर, अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा नमक, उस और थोड़ा सा अगर आप चाहे तो इसमें चिली पाउडर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखिए चिली लिया है, टमाटर है, और ये प्याज है, और हमारा चिकन, ये हमारा पिज्ज़ा का जो बेस है ऊपर वो रेडी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया है चीज़ और थोड़े से चिली फ्लेक्स। तो हम यहाँ पे जो पिज़्ज़ा की ब्रेड है वो लेंगे, उसके बाद मैं उसके ऊपर लगाऊंगी केचप और मायोनीज। अगर आप चाहे तो आपके पसंद की कोई चटनी ऐड कर सकते हैं, आपके पसंद का कोई सॉस ऐड कर सकते हैं, एज यू विश। मायोनीज डालने से थोड़ा सा क्रीमी क्रीमी बनेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने केचप और मायोनीज को अच्छे से मिक्स कर लिया है, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हमारा चीज़। आप चाहे तो नॉर्मल चीज़ भी ले सकते हैं, या चेडर चीज़ या मोज़रेला, कोई भी जो आपकी पसंद का चीज़ है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी हमारे जो चिकन है वो मैं ऐड करूँगी इस पर,
चिकन के पीस मैं अब इस पर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद एक के बाद एक मैं इस पर वेजीज ऐड करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने देखे लिया है ये मिर्च, अगर आप चाहे तो मशरूम है, बेबी कॉर्न है, ऑलिव्स है, आपकी पसंद की वेजीज भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने मिर्च ऐड किया है, उसके बाद मैंने ऐड किया है प्याज, उसके बाद मैंने ऐड किया है टमाटर। आप चाहे तो कोई भी पेपर ले सकते हैं, रेड, येलो या ग्रीन। उसके ऊपर से मैं थोड़ा सा नमक और चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी और हमारा ये पिज़्ज़ा रेडी है। अब इसे करना है बेक, ठीक है। अब हम इसे अच्छे से बेक कर लेंगे। आप चाहे तो गैस पर भी बना सकते हैं या ओवन में भी इसे बना सकते हैं। मैं इसे ओवन में रख लूँगी एक 10 से 15 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारा सब रेडी है, सिर्फ इसे मेल्ट हो जाएगा चीज़ जब तक इसे पकाना है। तो देखिए ओवन में मैंने ये पिज़्ज़ा का रख दिया है और मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए सिर्फ करूँगी, ज़्यादा बेक नहीं करना। तो ये देखिए हमारा माशाल्लाह पिज़्ज़ा एकदम रेडी है। मैंने इसे 10 से 15 मिनट के लिए बेक किया था, तो ये अच्छे से मेल्ट हो गया है सब चीज़ और हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। गर्मा गर्म पिज़्ज़ा, चिकन पिज़्ज़ा आ जाइए आप सब खाने के लिए। देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से कट कर लिया है, आ जाइए आप सब यहाँ पे खाने के लिए।